हेलो एवरीवन, आज ट्रेडिंग सेशन के दौरान दलाल स्ट्रीट पर रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजर बूस्ट चल रहा। सेंसेक्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 2227.90 रुपीस पर पीस के इंट्राडे हाई के साथ कम से कम 2% बढ़ गया है। सुबह करीब 10:57 को आरएल के शेयर्स 2216.80 पर कारोबार कर रहा था, जो सेंसेक्स पर 34.10 रुपीस या 1.6% बढ़ गया था। करंट मार्केट प्राइस पर कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 14.05 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। थर्सडे को कंपनी का मार्केट कैप 2182.70 रुपीस पर पीस के क्लोजिंग प्राइस पर 13,83,710.25 करोड़ रुपए था। आरआईएल ने फर्स्ट कॉल प्राप्त होने पर कंपनी के पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स के डिविडेंड पर क्लैरिफाई किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी के 5 रुपए के पेड अप इक्विटी शेयर्स फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए पर शेयर 3.5 रुपए के डिविडेंड के हकदार होंगे। इसके अलावा कंपनी ने अनाउंस किया कि जामनगर में उनकी सेज रिफाइनरी में फ्लूइडाइज्ड कैटलेटिक क्रैकर यूनिट को इमरजेंसी शटडाउन करना पड़ा था। ये क्लोजर 6 जून 2021 को हुआ। इतना ही नहीं, कुछ प्रोडक्ट शिपमेंट में देरी हो सकती है और कस्टमर्स पर इम्पैक्ट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। यूनिट की रिपेयरिंग उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है और उन्हें उम्मीद है कि इसे तेजी से फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि जामनगर रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में बाकी सभी यूनिट सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जल्द ही मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय।